लोग बोलते हैं ना, मैं तो इतने टाइम से स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, दिस दैट, इतने लोगों का हो गया, मेरा नहीं हो रहा. बिकॉज हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल. आज मैं आप लोगों के लिए प्रो टिप लेके आई हूँ फ्रॉम द सीक्रेट फॉर रिलेशनशिप्स. अब ये जो टिप है वो आप सिर्फ कोई रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए नहीं, बट आपकी पसंद का रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने के लिए, या ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप है विथ एनी पर्सन, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट योर लव्ड वन और योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और हस्बैंड और वाइफ, बट एनी रिलेशनशिप लाइक पेरेंट चाइल्ड ब्रदर सिस्टर, कोई भी रिलेशनशिप को ठीक करना हो या उसमें प्यार बढ़ाना हो या पसंद का रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना हो, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, यू विल बी एबल टू सॉल्व विद दिस स्पेशल ट्रिक. आई होप यू गाइज आर रेडी टू लर्न द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स. पूरा वीडियो एंड तक देखना, एक बहुत ही अमेजिंग से एग्जाम्पल के साथ समझाने वाली हूँ. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो आप लोग क्या करो ना, आपका पर्पस क्या है रिलेशनशिप में, क्या आपको मैनिफेस्ट करना है या कुछ ठीक करना है या किसी से बातचीत बंद हो गई है, बातचीत स्टार्ट करनी है, कोई भी रिलेशनशिप के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, क्या वो आपकी विश है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो आप कमेंट में लिखो, आपकी विश लिखो और साथ में थैंक यू यूनिवर्स लिखो. दिस इज द वे यू विल क्लेम इट, यू विल लेट योर सबकॉन्शियस एंड यूनिवर्स नो दैट हाँ मुझे ये चीज चाहिए. ये स्टोरी या एग्जाम्पल जो है द सीक्रेट बुक में से ही है. इसमें ना मैरी डायमंड करके एक स्पीकर है, फेंग शुई कंसल्टेंट एंड टीचर थे, वो एक बार एक पेंटर के घर पे जाते हैं, बहुत ही फेमस डायरेक्टर एंड पेंटर एंड फिल्म प्रोड्यूसर, मतलब यू नो हैंडसम भी और सक्सेसफुल भी. तो ये जो फेंग शुई टीचर है वो उनके घर पे जाते हैं, एंड ऑब्वियस है पेंटर का घर है तो बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई होगी दीवारों पे, ठीक है. तो जाके वो ऐसे ही सब पेंटिंग्स देख रहे थे, तो उनका ध्यान गया कि हर एक पेंटिंग में ना पैटर्न है, मतलब कि हर एक पेंटिंग कैसी थी, इट वॉज ऑफ अ वुमेन, मतलब कोई लेडी की पेंटिंग थी, बट वो पेंटिंग इस तरीके से थी दैट वो वुमेन जैसे नाराज है या किसी और तरफ देख रही है, लाइक शी इज लुकिंग लाइक दिस और कवरिंग हर आईज, मतलब ऐसा डिपिक्ट होता था पेंटिंग को देख के कि या तो वो वुमेन नाराज है या इंटरेस्टेड नहीं है या नई बात करना चाहती है, मतलब कुछ ऐसा ना जैसा नेगेटिव जैसा फील आता था हर एक पेंटिंग में से. तो अब ये जो फेंग शुई टीचर थे, ठीक है, स्पीकर कंसल्टेंट थे, ऑब्वियसली वो लोग थोड़ा ऐसा इंट्यूटिव होते हैं, तो उन्होंने जाके वो डायरेक्टर को तुरंत बोला कि मुझे लगता है आपकी लव लाइफ ना कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही होगी. तो वो डायरेक्टर एकदम शॉक होके पूछते हैं कि आपको क्या कोई दिव्य दृष्टि है कि आपको कैसे पता कि कुछ गड़बड़ चल रहा है मेरी लव लाइफ में या फिर रोमांटिक लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं है. तो ये कंसल्टेंट और टीचर जो थे उन्होंने बोला कि आपकी पेंटिंग्स देखो, आपकी हर एक पेंटिंग में ऐसा लग रहा है कि कोई ऑपोजिट जेंडर का पर्सन आपसे या तो नाराज है या दूर जाना चाहता है या नहीं पास रहना चाहता. तो पेंटर ने बोला इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे मेरी रियलिटी कैसे पता चलेगी, मुझे तो इस तरह की पेंटिंग्स बनाना पसंद है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ इसलिए मैं बनाता हूँ. तो वो टीचर ने बोला कि फिर तो ये और भी ज्यादा बुरी बात है, बिकॉज आप अपनी सारी इमेजिनेशन, अपनी फीलिंग्स, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी भावनाएं, अपने विचार ऐसे क्रिएट करके उस पेंटिंग में डाल रहे हो. मतलब समझो, अगर आपको शायद 4-5 घंटे 6 घंटे लगते हैं वो पेंटिंग बनाने में, तो 6 घंटे तक कांस्टेंट आपके दिमाग में किस तरीके के विचार चल रहे हैं, ऐसे कि अ वुमेन हु इज लुकिंग अवे फ्रॉम मी, हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी, हु डू नॉट वॉन्ट टू कम टू मी, हु डू नॉट वॉन्ट लव, जो जाना चाहती है, इस तरीके के कॉन्स्टेंट विचार फीलिंग्स के साथ चल रहा है. ऑब्वियसली कोई भी आर्टिस्ट होता है, आप में से जितने भी आर्टिस्ट होंगे उनको पता होगा कि हमारी भावनाएं हमारे काम में झलकती है. लाइक आई लाइक टू डांस, तो जब मैं डांस करती हूँ, या आई लाइक टू स्पीक, तो जब मैं बोलती हूँ तो मेरे बहुत सारे इमोशंस बाहर आते हैं. तो जब वो पेंट करते हैं तो उनके भी बहुत सारे इमोशंस बाहर आते हैं, और वो इमोशंस ऐसे ही बाहर आ रहे हैं जो डिपेक्ट कर रही है कि लव लाइफ अच्छी नहीं है. तो कहीं कहीं वो डायरेक्टर को भी ये बात समझ में आई कि यार ऐसा हो सकता है, यार फीलिंग्स तो आती है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं फील करके पेंट करता हूँ. तो उन्होंने बोला तो मैं क्या करूँ, मतलब आप क्या सजेस्ट करते हो. तो वो टीचर ने बोला आप क्या चाहते हो पहले तो ये बताओ. तो आर्टिस्ट ने बोला मुझे एक हफ्ते में 3-3 लड़कियों को डेट करना है, ठीक है, अलग अलग. तो उसने बोला पेंट करो खुद को उन 3 लड़कियों के साथ और अपने पूरे दीवार पे, पूरे घर में, सब जगह पे उसको पेस्ट कर दो, सुबह शाम दिन रात, जैसे आपको अभी ये विमेन दिखती है आपसे दूर देखते हुए, ऐसी विमेन दिखेगी जो आपके साथ है, ठीक है. और ऐसी एडवाइस देकर वो जो फेंग शुई टीचर थे वो वहाँ से चले गए, मीटिंग खत्म हो गई उनकी. फिर ऐसा हुआ कि एक एग्जीबिशन में 6 महीने के बाद ये फेंग शुई टीचर जो मारिया डायमंड, आई मीन आई थिंक
यस मैरी सॉरी मैरी डायमंड जो थी वो फेंगशुई टीचर और वो पेंटर एक एग्जीबिशन में मिले और उनको एकदम से याद आया. उन्होंने पूछा अरे कैसा चल रहा है आपका लव लाइफ. तो वो पेंटर ने बोला अमेजिंग, मतलब लाइक गर्ल्स आर गोइंग क्रेजी ओवर मी. वो ऐसे मेरे पीछे पड़ी है, देयर आर सो मेनी गुड ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल वुमेन हु वॉन्ट टू डेट मी. अमेजिंग, मतलब इट्स लाइक मैजिक, जादू के जैसा था कि पता नहीं सिर्फ पेंटिंग चेंज करते ये कैसे हो गया कि मेरी लव लाइफ ने 360 डिग्री टर्न मारा. तो वो फेंगशुई टीचर ने बोला देखा मैंने कहा था इट वाज ऑल ये सिर्फ थॉट्स और फीलिंग्स का खेल था. फिर वो पेंटर ने कहा बस लेकिन अब मौज मस्ती बहुत हो गई, अब मैं स्टेबल होना चाहता हूँ, एक स्टेबल रोमांटिक लॉन्ग टाइम पार्टनर चाहता हूँ. तो फेंगशुई टीचर ने क्या एडवाइस दी होगी, जस्ट थिंक एंड पेंट इट. तो उसी तरह उन्होंने एक ब्यूटीफुल रोमांटिक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मैरिज वाली चीज़ें पेंट करी खुद को, एक पर्टिकुलर वुमेन के साथ शादी हॉलीडेज दिस दैट पेंट किया एंड एक साल के अंदर अंदर वो पेंटर की शादी हो गई. सो अब क्या बहुत लोगों को लगेगा कि पेंटिंग करने से हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. सी पेंटिंग इज नॉट अ टेक्निक, मैं हमेशा यही कहती हूँ. बहुत लोग मुझे डीएम करते हैं, मैसेज करते हैं, मेल्स करते हैं कि कौन सी ऐसी स्पेसिफिक टेक्निक यूज करूँ जिससे मुझे कोई पर्टिकुलर चीज मिल जाएगी या मेरी कोई विश मैनिफेस्ट हो जाएगी. पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये सब टेक्निक्स टूल्स है जिसको हमें हमारे हिसाब से यूज करना है. अब अगर मैं पेंटिंग करने जाऊंगी तो हो सकता है कि मैं जो चाहती हूँ वो मैनिफेस्ट ना हो. लोग बोलते हैं ना मैं तो इतने टाइम से स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, दिस दैट इतने लोगों का हो गया, मेरा नहीं हो रहा. बिकॉज वो स्क्रिप्टिंग करके या लिखते टाइम वो चीज़ आपके मन तक नहीं पहुँच रही, आपके इमोशंस आपके थॉट्स अलाइन नहीं हो रहे हैं उस टाइम पे, बिकॉज दैट इज नॉट योर फोर्टे या फिर वो आपका टैलेंट नहीं है. मेरी टिप यहाँ पे ये है कि सबसे पहले आप ये ढूंढो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप सुपर टैलेंटेड हो. सिंगिंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, कोई आर्ट वाली चीज़, कोई क्रिएटिविटी वाली चीज़ जिसमें आपके फीलिंग्स बाहर आए. फोटोग्राफी हो सकता है, बहुत सी ऐसी चीजें. लिखो कमेंट्स में अभी कि ऐसी कौन सी आर्टिस्टिक चीज है जो आपको पसंद है. होती ही है, हॉबी कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही कि वो आपका करियर होना चाहिए, सिर्फ हॉबी बोल रही हूँ. अब वो हॉबी को यूज करो, उसको टेक्निक बनाओ आपकी जो इच्छा है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए. कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बहुत अच्छे राइटर एंड सिंगर हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक ब्यूटीफुल पोएम लिख सकते हो या सॉन्ग लिख सकते हो जिसमें ये डिपिक्ट होता हो कि आप एक अमेजिंग लाइफ पार्टनर के साथ अपनी पूरी जिंदगी स्पेंड कर रहे हैं. देन सिंग दैट सॉन्ग, रिकॉर्ड दैट सॉन्ग, हियर इट अगेन एंड अगेन. इस तरह से आप जब वो लिख रहे हो, गा रहे हो, सुन रहे हो, तीनों चीज़ में आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपकी क्रिएटिविटी इंक्लूड होती है तो वो चीज़ अपने आप काम करेगी. आप खुद अपने लिए एक टेक्निक बना सकते हो, कोई थर्ड पर्सन आपको नहीं चाहिए या मैं नहीं चाहिए ये बताने के लिए कि आपको जो चीज मैनिफेस्ट करनी है उसके लिए आपको कौन सी टेक्निक चाहिए. यू योरसेल्फ कैन डिजाइन योर ओन टेक्निक और उससे ज्यादा इफेक्टिव और कोई टेक्निक हो ही नहीं सकती, ना मेरी बताई हुई ना किसी और की बताई हुई. चाहे कोई कितने भी स्टेप्स बता दे कि सक्सेसफुली गेट मैरिड टू अ स्पेसिफिक पर्सन, दिस दैट सब बकवास. एवरीथिंग इज हियर एंड हियर. सो आज की द सीक्रेट प्रो टिप फॉर रिलेशनशिप यही है कि फाइंड आउट the thing you are good at, the thing in which you are talented, the thing which you love doing, the thing जो करते करते आपको खुशी मिलती है, आपको समय कब जा रहा है उसका भी एहसास नहीं होता, and then include, combine that thing with your desire and then manifest it. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वो चीज़ मैनिफेस्ट ना करो. सो आई होप आज की आपको द सीक्रेट प्रो टिप पसंद आई होगी. ऐसी ही अमेजिंग टिप्स आप चाहते हो मेरे इंटरप्रिटेशन के साथ फ्रॉम द बुक द सीक्रेट, देन प्लीज कॉमेंट डाउन. आई विल डेफिनेटली ब्रिंग अनदर वीडियो फॉर यू गाइज. टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू कि आप जल्दी से अपना ड्रीम लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करें.